हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, उसी में ये बहुत ही सुंदर बन के आएगा। ये डिज़ाइन, ये स्वेटर 2 से 3 साल के बच्चे के लिए बनाई गई है। इसके बैक पार्ट में 75 फंदे डले हैं और आगे के पार्ट में इसके 30-30 फंदे डले हैं। 7-7 फंदों की इसमें बटन पट्टी बनाई गई है और इसके बाजू में 30-30 फंदे डाले हैं। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम 2 के मल्टीपल में फंदे लेंगे और एक्स्ट्रा फंदा कोई नहीं लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप भी इस डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनाने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने ये 2 के मल्टीपल में फंदे डाले हैं और अब ये अपना उल्टे उल्टे सिलाइयों का बॉर्डर बनाइए। मैंने 8 सिलाई बनाई हैं, दोनों तरफ से 4-4 सिलाइयाँ, 4 बैक साइड से, 4 सीधी तरफ से, तो हमारी 8 सिलाई बन के हमारा बॉर्डर कम्प्लीट हुआ। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम अपना ये डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो धागा पीछे, ये एच स्टिच फंदा है, इसको हम ऐसे सीधा ही बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 7 फंदे टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 फंदे बटन पट्टी के धागा पीछे करेंगे और 1 फंदा सीधा, फिर धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, फिर धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, 1 फंदा सीधा। धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर 1 फंदा सीधा, फिर धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे। ये एच स्टिच है, इसको फिर सीधा बना देंगे। ऐसे हमारी ये चैन सी बन के आ जाएगी। अब आएंगे हम बैक साइड में सेकंड रो पे। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ये फंदा पहला एच स्टिच है, इसको हम उल्टा बनाएंगे। अब धागा पीछे करेंगे। अब जो हमारा ये सीधा फंदा है, वैसे तो हम इसको ऐसे बनाए थे, अब की बार जो नीचे से होल है, ये यहाँ से हम इसके अंदर सिलाई डालेंगे, जो नीचे है ये। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, जो नीचे होल है इसके अंदर सिलाई डाल लेंगे और ऐसे फंदा बना लेंगे और इसको उतार देंगे। फिर धागा आगे करेंगे, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे। अब फिर यहाँ से नहीं बनाएंगे, जो ये नीचे से होल दिखाई देता है इसके अंदर से सिलाई डाल लेंगे और फंदा बना देंगे ऐसे। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से जो ये नीचे से होल दिखाई देता है इसके अंदर से सिलाई डाल लेंगे और फिर 1 फंदा बना देंगे ऐसे। फंदा सीधा ही बनेगा, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करके बनेगा ये, तो हमारा डिजाइन ये अच्छे से आएगा। अब ये फिर ये होल है जो यहाँ नीचे से, इसके अंदर से सिलाई डाल लेंगे और इसको ऐसे बना देंगे, फिर इसको उतार देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर से इसी होल में से डाल लेंगे नीचे से और ऐसे बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर इस फंदे के जो सीधा फंदा है इसके नीचे होल है, जो पहले होल है इसमें से सिलाई डाल लेंगे और फंदा ऐसे बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से इसी होल में से डाल लेंगे और फंदा बना देंगे ऐसे, उतार देंगे। ऐसे ही इस पूरी रो को कम्प्लीट करें। धागा पीछे, अब फिर जो ये सीधा फंदा है इसके नीचे से सिलाई डाल लेंगे और ऐसे ही फिर उतार देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदा उल्टा, अब फिर धागा पीछे करेंगे, अब फिर जो ये फंदा सीधा है इसके इस होल में से सिलाई डाल लेंगे और फंदा ऐसे बना देंगे। अब हमारे ये लास्ट के फंदे हैं जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। ये एक फंदा है जो यहाँ से सीधा था, ये उल्टा, तो इसको हम धागा आगे करेंगे, इसको उल्टा ही बनाएंगे ऐसे, और इन 7 फंदों को भी हम उल्टा ही बना देंगे।
इनको उल्टा बना लीजिए। उल्टा बनाएंगे, अब आएंगे हम सीधी तरफ। देखिएगा फ्रेंड्स, अब फिर ये पहला फंदा है जो इसको एच स्टिच है, इसको सीधा ही लेंगे ऐसे। देखिएगा फ्रेंड्स, पहला फंदा है इसको हम ऐसे ही लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर ये छह फंदे और बटन पट्टी के, एक एच स्टिच छह, ये तो हमारे ये सात फंदे बन जाएंगे, तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात। अब फिर धागा पीछे करेंगे, अब फिर जो ये सीधा फंदा है इसके इस होल में से सिलाई डाल लेंगे और ऐसे बना लेंगे ऐसे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, अब फिर जो ये सीधा फंदा है इसके नीचे होल में से सिलाई डाल लेंगे और फंदा बना देंगे ऐसे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, अब फिर जो ये सीधा फंदा है इसके यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और ऐसे बना देंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे ही बनाते जाएंगे पूरी रो को, एक फंदा उल्टा एक सीधा, सीधे के नीचे होल में से सिलाई डाल लेंगे और फंदा बना देंगे। ऐसे ही हम ये आठ सिलाई बना लेंगे या दस सिलाई बना लेंगे, जितना भी आपको डिजाइन की लंबाई चाहिए आप उतनी ही बनाइएगा। उसके बाद में फिर आगे आपको इसको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमारा ये डिजाइन बन के नजर आएगा। अब मैंने ये डिजाइन की चार सिलाइयां बनाई हैं, आप इसकी आठ सिलाइयां या दस सिलाइयां बना लीजिए, डिजाइन पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये। फिर इसके आगे हम बैक साइड में आएंगे, जैसे दस सिलाई बनने के बाद डिजाइन डलने के बाद बैक साइड में आएंगे, तो इस बैक साइड में इस पूरी रो को हम उल्टा बनाते जाएंगे, ऐसे इसको उल्टा बना देंगे। उल्टा बना के इस पूरी रो को पूरा कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी उल्टी रो बन के कंप्लीट हुई डिजाइन डलने के बाद, ये हमारी बैक साइड से उल्टी रो बन गई। अब आएंगे हम सीधी तरफ, तो सीधी तरफ से फिर से ये एच स्टिच फंदा इसको सीधा बनाएंगे ऐसे, और फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये छह फंदे और हैं जो बटन पट्टी के, इनको बना देंगे, चार पाँच छः और ये सात, एक एच स्टिच है छः उल्टे हैं, सात फंदे बन गए। अब धागा पीछे करेंगे, अब जो बीच में हम डिजाइन में पट्टी डालेंगे वो हमारी अब जैसे बैक साइड से उल्टी थी, अब ये सिलाई यहाँ से हम सीधी बनाएंगे, ये इसको पूरी सिलाई को ऐसे सीधा बना के पूरा करेंगे। ये बीच में हम इस डिजाइन के गैप देने के लिए ये सिलाई बनाएंगे, इसको सीधा बना के पूरा करेंगे। ये हमारे सीधी तरफ से सीधी रो बन के तैयार हुए। अब आएंगे हम बैक साइड में, बैक साइड में ये हमारी धागा अपनी तरफ करेंगे और इसको ऐसे उल्टा बनाते जाएंगे, इस रो को हम उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। ये हमारी उल्टी रो बन के कंप्लीट हुई। अब आएंगे हम सीधी तरफ। देखिए फ्रेंड्स, बीच में हमने ये गैप के लिए प्लेन सिलाइयाँ बनाई है, उल्टी तरफ से उल्टी और सीधी तरफ से सीधी। अब फिर हम ये ऐसे ही ये दोबारा फिर से डिजाइन डालेंगे, तो यहाँ फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, सॉरी एच स्टिच फंदा है इसको ऐसे ही उतार लेंगे, यहाँ से हमारी ये चैन से अच्छे से बन के आएगी, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये फंदे बटन पट्टी के उल्टे बनाएंगे, चार पाँच छः और सात, फिर धागा पीछे करेंगे। अब फिर यहाँ पे हम अपनी वही आठ सिलाइयाँ अपने डिजाइन के फिर से डाल देंगे, तो एक बार फिर बताएंगे, जैसे ये फंदा है ये होल यहाँ से सिलाई डाल लेंगे, ऐसे फंदा बना देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा
उल्टा धागा पीछे, फिर से इस होल में से डालेंगे और ऐसे सिलाई बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे और जो ये होल है इसके अंदर से सिलाई डाल लेंगे यहाँ से और ऐसे बना देंगे। फिर अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, ये छेद है यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और फंदा बना देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं ऐसे ही बनाते जाएंगे। सिर्फ फर्क इतना रहेगा कि जो सीधा फंदा है उसके नीचे होल में से सिलाई डाल लेंगे, यहाँ से नहीं डाल लेंगे, यहाँ से नीचे की तरफ से डाल लेंगे इसके, ऐसे इसको सीधा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर नीचे होल में से डाल लेंगे, ऐसे फंदा बना देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा, सीधे फंदे के नीचे होल में से डाल लेंगे ऐसे और बना देंगे एक फंदा उल्टा। फिर धागा पीछे, फिर जो ये फंदा है इसके नीचे से सिलाई डाल लेंगे यहाँ से और ऐसे बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये जो सीधा फंदा है इसके नीचे से सिलाई डाल लेंगे और ऐसे बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, नीचे होल में से डाल लेंगे, ऐसे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस डिजाइन को मल्टी कलर में या डबल कलर में बनाना चाहो तो ये उसमें भी बहुत ही सुंदर बन के आएगा। जो ये डिजाइन डलता ही यहाँ पे, इस डिजाइन में आप अलग अलग कलर लगाते जाइएगा और बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के आएगा। और प्लेन में बनाएंगे तो प्लेन में भी ये सिंगल कलर में भी बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के आता है। और सिर्फ उल्टी सीधा ही फंदा है, बहुत ही जल्दी बन के कंप्लीट होता है। यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और बना देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर से इसी छेद में से डाल लेंगे और ऐसे बना देंगे। धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये एच स्टिच है, इसको सीधा बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये डिजाइन एक बार फिर से डल के नजर आया। ऐसे ही इन्हीं सिलाइयों को रिपीट करते हुए जाइएगा और अपना डिजाइन आगे बढ़ता जाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आए और मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।